अब अगला मरहला जो था वो हमारा ये कि हमारी ये फट है जो जूस के ऊपर गंद आ जाता है मिट्टी उसके बगास के दर्रात उसको हम उसमें उतारते हैं। उसमें यह होता है कि ये कई जगह पे इस्तेमाल होती है, ये जानवरों को खाने में डालते हैं। जितना पहले हमारा जानवरों को डाला जाता है उसको कवर किया जाता है ताकि उसको हवा ना लगे और वो खराब ना हो, उसको जानवरों को डाला जाता है। इसी तरह ये जो कि ताजा माट होती है इसको लेके जमींदार चले जाते हैं, ठेकेदार वो मुख्य जगह पे इसको जाके बेचते हैं, लेकिन इसको कवर उसी तरह करते हैं जितना पहले इसको कवर करते हैं। अगर इसको हवा लगेगी तो ये इकट्ठी हो जाएगी, फिर इसे जानवर नहीं खाएंगे, इसको जानवर खाते हैं। उसके बाद खाद बनाने वाली फैक्ट्री है, इसको खाद में इस्तेमाल करती है क्योंकि ये बड़ी बेहतरीन खाद है। उसके बाद जब ये खेत इस्तेमाल भी नहीं आती इसको स्टॉक किया जाता है, वो जो स्टॉक होती है वो बाद में जलाने के काम आती है। ये बड़ा बेहतरीन फ्यूल बनता है, ये पेट्रोल की तरह जाता है। जो हमारे भट्टों वाले वो इसे इस्तेमाल करते हैं भट्टे में, ये एक तो आग बड़ी ज्यादा जलती है, बहुत ज्यादा हीट होती है। नंबर दो ईंट को पॉलिश करता है, ईंट पॉलिश हो जाती है, ईंट जो कि तुरंत है वो सफेदी की तरफ आ जाती है और बहुत प्यारी लगती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ से कैसे गाड़ियों तक पहुँचती है। जी व्यूअर्स, अब ये उतर रही है इस तरह उतारेगा कुछ हद तक, ये अब ये इसको उतारा आदमी, यहाँ से ये जाएगी इसके अंदर, यहाँ से फिर बेल्ट है जो इसको लेके जा रहा आगे, ये बेल्ट में आई। अब बेल्ट से ये नीचे गाड़ी लगी है, अब ये नीचे देखें यहाँ से सीधा एक गैप बना हुआ, उस गैप में से ये जाएगी सीधी गाड़ी में। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में कैसे ये लोड होती है। अब देखिए वो शूट से ऐसे गाड़ी में लोड हो रही है, ये गाड़ी लगी हुई है, इसे हम डंपर कहते हैं। इस डंपर में ये लोड होगी, ये लोड होने के बाद अपने जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ चले जाएगी। अगर ये खाद बनाने वाली फैक्ट्री ने लिया तो उधर चली जाएगी, अगर जानवरों को डालने के लिए किसी ठेकेदार ने लिया तो उस ठेकेदार के पास चली जाएगी। वो ठेकेदार इसको फिर अच्छी तरह कवर करके स्टॉक करेगा और फिर आगे इसको लोगों को बेचेगा जो जानवरों को डालेंगे। और ये बड़ी बेहतरीन मिठास इसमें चूँकि होती है, बगास भी है तो जानवर इसे बड़े शौक से खाते हैं, तो इसमें जो से होते हैं सैलेज के मुकाबले में ये काफ़ी सस्ती पड़ती है और इसमें हीट भी होती है, इसलिए ज़मींदार या जो से फार्म हाउस वाले वो इसको बड़ी खुशी से ख़रीदते हैं। और अगला मैंने आपको बताया था इसको जलाने के काम भी आती है और खाद के ये ज़मीनों पर अगर डाली जाए इसकी प्रॉपर एक मकदार होती है तो बड़ी बेहतरीन आपकी फसल तैयार होती है उस पर।